के साथ। आगामी 26 तारीख को लखनऊ में होने वाली किसान सम्मान रैली को लेकर सर्किट हाउस में बैठक लेने पहुंचे किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री घनश्याम पटेल किसान मोर्चा जनपद वाराणसी के पदाधिकारियों से कहे कि 2022 में सेवा ही संगठन के मूल मंत्र तथा केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की किसान कल्याणकारी नीतियों के साथ जनता के समक्ष जाने हेतु संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और किसानों के हित के लिए निरंतर जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर किसानों के हित में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। चाहे वह मिला परीक्षण की बात हो, चाहे किसान कल्याण सम्मान निधि की बात हो, चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे जैविक खेती की तरफ किसानों को अग्रसर करने की बात हो, पशुपालन की बात हो, मत्स्य पालन की बात हो, हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर अपने संकल्प को दोहराते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के किसान मोर्चा के अध्यक्ष रामप्रकाश बीरू ने कहा कि लखनऊ की रैली में वाराणसी जनपद के अपने सभी पदाधिकारियों के साथ लगभग 500 किसानों को किसान सम्मेलन रैली में लेकर जाया जाएगा। सरकार निरंतर उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जनपद के हर ब्लॉक में किसान मेला का आयोजन, हर किसानों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है और नए नए गुण सिखा करके आत्मनिर्भर किसान बनाने के लिए अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस अवसर पर पवन चौबे, उपेंद्र दुबे, जितेंद्र सिंह, जीतू, दीपक सिंह, आशीष राय, रिंकू, रमेश सिंह, अनुराग बाबू, विश्वकर्मा, पंकज भारद्वाज, शैलेश मिश्रा, रवि मिश्रा, कौशल मिश्रा, हौसला पांडे, शेषधर चौबे सहित आदि पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। किसान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो काम किया है, किसान का खेत खलिहान मजबूत हो उस दिशा में जो प्रयास किया है, उन सब पर चर्चा करेंगे और 26 तारीख को लखनऊ में किसान सम्मेलन का आयोजन है। आज इस बैठक के माध्यम से काशी के भी अपने उन सभी सम्मानित किसानों का आह्वान करने आए हैं, उनको आमंत्रण देने आए हैं कि आप उत्तर प्रदेश के किसान सम्मेलन में आइए और आपकी सरकार ने आपके लिए जो काम किए हैं उसके लिए हम सरकार का आभार भी व्यक्त करेंगे, योगी जी के प्रति अपना आभार प्रकट करेंगे। साथ ही साथ फिर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेके वहाँ से वापस आएंगे और पुनः 2022 में मजबूत इरादों के साथ भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का अभियान पूरा करें। वाराणसी लाइव, सच के साथ।